हे गाइस, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। मैं हूं गीता गुजरात से और वेलकम करती हूं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल गीताज ग्रीन गार्डन में। देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा मेरा रोज़ फ्लावर खिला हुआ है और दूसरी बर्ड्स भी आई हुई है। देखिए फ्रेंड, तो आज मैं रोज़ का ही टॉपिक लेकर आई हूँ कि रोज़ की केयर कैसे करें। फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह के 8 बज रहे हैं, इसलिए हम रोज़ की जो केयर एंड टिप्स कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी जीवन के लिए फ्रेंड्स, पानी बहुत ही ज़रूरी है और रोज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पानी ज़रूरी है। रोज़ को पानी बहुत ही पसंद है, उसे नहाना शावरिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे इसकी डेली रूटीन केयर करती हूँ। तो रोज़ प्लांट को रोज़ ही हमें शावरिंग करना है, उसे नहलाना है। जैसे कि अगर आपके पास प्लांट ज़्यादा है तो आप पाइप से नहलाइए, अगर आपके पास कम प्लांट हैं मेरी तरह, यहाँ पर नीचे कुछ मेरे 4-5 प्लांट हैं और थोड़े नीचे वाले गार्डन में, तो इस तरह आप स्प्रे बॉटल से नहलाइए उसे। ये आपको सुबह सुबह के टाइम ही करना है, 8 बजे से पहले। अगर आप उसे रोज़ नहलाएंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ पर उसकी पीली पत्तियाँ हो रही हैं, कहाँ पर सूखी पत्तियाँ हैं, तो आप उसे निकाल सकते हैं। डेली बेसिस पे अगर आप ये काम करते हैं तो दिख जाएगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितनी बड़ी बड़ी बर्ड्स आई हैं। ये मैं पीच कलर का या ऑरेंज कलर का लाई थी मॉनसून में, अभी मुझे कलर याद आ नहीं रहा, लेकिन 2 दिन में ये खिल जाएंगी सारी। तो इस तरह से हमें रोज़ ही शावरिंग करनी है, सुबह और शाम। अगर आपके यहाँ 30 से 35 डिग्री तापमान रहता है दोपहर का, तो आपको शाम में भी करनी है। और अगर आपके वहाँ 28-29 डिग्री तापमान हो जाता है दोपहर का, तो आपको शाम को शावरिंग नहीं करनी है। मैंने तो मिट्टी में लगा रखा है, इसलिए मैं मिट्टी में अभी पानी नहीं दूंगी, मिट्टी गीली है। नहीं तो अदरवाइज़ आप सुबह के शाम में, सुबह के टाइम में आप मिट्टी में भी इसी तरह से शावरिंग करके पानी दे दीजिए। रोज़ प्लांट को पानी तो वैसे बहुत ही पसंद है, लेकिन उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, साथ ही साथ निकल जाना चाहिए। और मैंने तो मिट्टी और कोकोपीट का मिश्रण बनाया है, इसलिए मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी डालती हूँ, नहीं तो उसकी रूट्स फिर पानी की वजह से गल जाएंगी। गुलाब को एप्सम सॉल्ट बहुत ही पसंद है, इसलिए अभी विंटर की सीज़न में हमें हफ्ते में 2 बार, जैसे अभी मैंने सुबह के टाइम में शावरिंग की है, उसी पानी में 1 लीटर पानी में 1/4 टीस्पून NPK 19-19-19 और 1/4 टीस्पून एप्सम सॉल्ट मिक्स कर हमें स्प्रे करना है हफ्ते में 2 बार। मैंने अभी 2 दिन पहले ही किया है, इसलिए मैं आज नहीं कर रही हूँ। और इस गुलाब हैवी फीडर प्लांट है, आप सबको पता है ऐसे, इसलिए खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसे मंथली आपको हैवी फीडर फर्टिलाइज़ करना है। तो इस पर मेरी अलग एक डिटेल में वीडियो है कि मैं कैसे रोज़ को फर्टिलाइज़ करती हूँ, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि जो मेरा ड्राई मिक्स फर्टिलाइज़र है मैं कैसे बनाती हूँ और मंथली वो मैं कैसे डालती हूँ, तो वो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेरे डिटेल थी रोज़ प्लांट के ऊपर। और फ्लावर का साइज़ देखिए फ्रेंड्स, कलर देखिए कितना प्यारा, अभी तो ये खिलने वाला बाकी है, खिलने के बाद भी रहेगा कुछ 2-3 दिन। तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूँगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, हैप्पी।